हाय गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं KFC की सक्सेस स्टोरी के बारे में। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी, जिन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इंश्योरेंस से लेकर क्रेडिट कार्ड बेचने और रेलवे में फोरमैन जैसी नौकरियाँ भी की। उनका चिकन खाकर केंटकी के गवर्नर इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली। KFC सक्सेस स्टोरी के बारे में एक और बात, एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उदाहरण की मिसाल है KFC, केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें 1009 बार निराशा हाथ लगी। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, उस उम्र में इनका करियर शुरू हुआ। उन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। आइए जानते हैं कैसे एक के बाद एक कर्नल सैंडर्स को मिलती रही असफलताएं और फिर एक दिन चमक उठी किस्मत। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरी विले में हुआ था। 6 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और सैंडर्स अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते थे। महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अच्छा खाना पकाना सीख लिया था। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर्स पसंद नहीं थे, इसके चलते वह अपनी आंटी के पास रहने लगे और एक फार्म में काम करने लगे। सैंडर्स उस वक्त 7वीं कक्षा में पढ़ते थे और उन्होंने 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वह तमाम तरह के काम करते रहे। सेना में भर्ती हुए लेकिन वहां से निकाल दिए गए। कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ विवाद के चलते उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी पत्नी भी बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गई। अपने जीवन में उन्होंने और भी तमाम छोटे मोटे काम किए, कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे, यहाँ तक कि टायर बेचने, लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया। कभी भी उनकी दाल नहीं गली। सैंडर्स की ज़िंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी के कार्बिन में एक गैस स्टेशन खरीदा। बहुत से यात्रियों ने उनसे कहा कि वह एक रेस्टोरेंट भी खोल लें। चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। ऐसे में वह रेस्टोरेंट में तमाम तरह के खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका यह काम चल निकला और वह मोटी कमाई करने लगे। यहीं पर एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में आए थे। जब उन्होंने सैंडर्स का चिकन खाया तो उन्होंने बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे दी और तभी से उन्हें कर्नल सैंडर्स के नाम से जाना जाता है। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। जहाँ पर सैंडर्स का रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक हाईवे निकलने के चलते उनका रेस्टोरेंट टूट गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की। वह जहाँ तहाँ वहाँ से निराश ही हाथ लगी। 1009 बार उन्हें ना सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफ़र। जब कर्नल सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ फ़ायदा लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को मसाले का पैकेट बेचते थे, जिससे उनकी रेसिपी खुफिया रही और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला। यहाँ से KFC फेमस होने लगा। इसके बाद 1963 में अक्टूबर महीने में एक वकील जॉन वाई ब्राउस जूनियर और व्यापारी जैक सी मैसी ने सैंडर्स से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने की इच्छा जताई। शुरुआत में तो वह
ना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी 1965 में बेच दिया। डील के तहत ये बात पक्की हुई कि केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगी। सैंडर्स को पूरी ज़िंदगी $40,000 की सैलरी दिए जाने की भी डील हुई। बाद में उनकी सैलरी बढ़कर $75,000 कर दिया गया। इसके बाद उनकी कंपनी रेनॉल्ड्स और पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी का मालिकाना हक यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास। कर्नल सैंडर्स की मौत 1980 में 90 साल की उम्र में हुई। आज कर्नल सैंडर्स दुनिया में नहीं, लेकिन KFC पर खास दाढ़ी और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी KFC का चिकन खाने वाला को उन्हें भूलने नहीं देता। आज के वक्त में KFC के 150 से भी अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं। और इस सक्सेस स्टोरी के साथ धन्यवाद।